हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज का जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज, ये रिएक्शन के लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। केपी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो केसी अगर निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसका फार्मूला है केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। CaCO3 सॉलिड है, CaO ये भी सॉलिड है, तो हम ये केसी को इस प्रकार से लिखेंगे, केसी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अपना जो यो केसी था, अब ये केसी बन गया। यहाँ पे CaCO3 सॉलिड है, CaO ये भी सॉलिड है, और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये पूरी जो टर्म्स हैं वो कॉन्स्टेंट बन चुकी है अभी, तो हमको एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया, वो है K-C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। हमको निकालना है K-C, KP गिवन है, हमारे पास जो फार्मूला है KP का, KP इज इक्वल टू KCRT⁻ΔNG। डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन। सो डेल्टा एन जी का फार्मूला है गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अभी आप रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे गैसियस है वो जो CO2 है, यहाँ पे उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे CaO ये सॉलिड है, तो गैसियस मोल्स 1 हो गया यहाँ पे, माइनस रिएक्टेंट साइड में गैसियस मोल है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, सो डेल्टा एन जी हो गया अपना 1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको केपी की इक्वेशन मिल जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी। हमको निकालना है केसी, तो केसी को एक साइड में लेके आओ, केसी इज इक्वल टू आरटी को ये साइड में लेके आएंगे, तो डिनोमिनेटर में जाएगा आरटी। केसी मतलब ये K-C हमको निकालना है, केपी की वैल्यू दी है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रहेंगी 0.082 लीटर बार मोल इनटू केल्विन। ये वैल्यू आपको पुट करना है, टेम्परेचर की वैल्यू दी है, तो केसी निकल जाएगा, तो केसी इज इक्वल टू केपी की वैल्यू पुट करो 167, आर की वैल्यू 0.082, टी की वैल्यू 1073। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मैं जो मैंने किया उसका कैलकुलेशन है 1.896। अभी केसी का यूनिट क्या लिखोगे? केसी का यूनिट केपी का यूनिट इन टर्म्स ऑफ बार है, केसी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका यूनिट आएगा मोल पर लीटर। यहाँ पे देखेंगे केसी में एक ही टर्म है कॉन्सेंट्रेशन की, वो है CO2 की, और कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट है मोल पर लीटर है, तो इसका भी यूनिट मोल पर लीटर है। ठीक है, ओके।